हिमाचल प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन की तरफ से 13 से 16 मई तक राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन शिमला में किया जा रहा है। 10 मीटर एयर राइफल व पिस्टल प्रतियोगिताएं इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में खेली जाएगी। इसके अलावा 25 मीटर पिस्टल व 50 मीटर राइफल पिस्टल एवं शॉटगन प्रतियोगिता शिमला जिला के फागू में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के करीब 600 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। शूटिंग कोच रविंदर ने बताया कि एसोसिएशन की तरफ से हर साल प्रदेश स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा होती है। आज के समय में युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। इस तरह की खेल प्रतियोगिता से बच्चे नशे से भी दूर रहते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। ये चैंपियनशिप जो 27th HP स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप राइफल पिस्टल एंड शॉटगन इवेंट्स में हो रही है। 10 मीटर इवेंट्स इंदिरा गांधी स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं और 25, 50 और ट्रैप इवेंट्स जो हैं चियोग पंचायत के तहत बंगा पानी एक जगह है, वहां पर 25, 50 और ट्रैप के इवेंट हो रहे हैं। इस चैम्पियनशिप में जो भी शूटर क्वालिफाई करेंगे वो फर्दर नॉर्थ जोन और ऑल इंडिया जीवी मावलंकर में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रतियोगिता 13 तारीख से 16 तारीख तक आयोजित की जा रही है और इसमें लगभग 600 पार्टिसिपेंट्स, अभी भी हमारी एंट्रीज आज भी चली हुई हैं, जो इसमें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, शूटर्स को ऑनलाइन अप्लाई करना था, उसका रिजल्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह उसको अपने प्रोफाइल से ही बाद में मिल जाते हैं, तो अभी भी आज भी एंट्री जिसकी कंटिन्यू है। इस चैम्पियनशिप में अंडर 12, अंडर 16 सब यूथ, अंडर 19 यूथ, अंडर 21 जूनियर, अंडर अबव 45 मास्टर्स एंड अबव 60 ईयर्स सीनियर मास्टर्स कैटेगरी के अंडर इसमें शूटर राइफल पिस्टल मैन वुमेन हर वर्ग के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें। सर डेफिनेटली अगर बच्चा स्पोर्ट्स करेगा तो जाहिर सी बात उसके पास एक पॉजिटिव एनर्जी और कुछ स्टडी के साथ कुछ और करने के लिए रहेगा। अगर हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे, कुछ लेवल तक बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और मेरा ख्याल है कि वो ना पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएगा और उसका ध्यान जो दूसरी तरफ जैसे नशे की तरफ भी वो जा सकता है। तो मैंने यहाँ देखा कि जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनके पास टाइम ही नहीं है अपनी स्टडी स्पोर्ट्स इसके सिवाय, उनके पास किसी दूसरे काम के लिए कोई टाइम ही नहीं है। तो जितने भी शूटर्स मैं यहाँ जानता हूँ, खास करके यंगस्टर बच्चे जो हैं, मुझे तो कोई ऐसा बच्चा नहीं लगा जो कोई ऐसी नशे वगैरह में कोई इन्वॉल्व हो। तो मैं तो सभी से ये कहूँगा कि शूटिंग नहीं, आप किसी दूसरे इवेंट्स में भी कराएं, खास करके अगर शिमला में है तो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का इतना अच्छा हमारे पास इंडोर स्टेडियम है, तो किसी भी इवेंट में बच्चों को कम से कम एडमिशन दिला करके उनके अभ्यास शुरू करवा सकते हैं।